सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे एक पाइप गिर गया था, आपको सभी को पता होगा। न्यूज वालों ने काफी ज्यादा उस चीज को वायरल किया था और काफी ज्यादा चीजों में दिखाया था। सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से जब हम निकलते हैं ना, तो एक महिला स्कूटी चला रही थी। स्कूटी चलाते चलाते आगे ही उसके पाइप गिर गया और उस पाइप के गिरने की वजह से ये जो पूरा आगे का पोस्टर है ये इससे टूट के खराब हो गया। मतलब ये वही स्कूटी है जो कि इस वक्त आप मेरी वर्कशॉप में देख रहे हो और इसी स्कूटी के ऊपर वो पाइप गिरा था। इस स्कूटी पर जब वो पाइप गिरा तो इस स्कूटी पर पाइप गिरने की वजह से ये स्कूटी जाके साइड में गिरी और गिर के बहुत बुरी तरीके से एक साइड में लग गई और चोट, और उसके वजह से जो महिला जो थी जिस पे गाड़ी चला रही थी जो फीमेल राइडर थी वो बेहोश हो गई। और उसके बाद कुछ लोगों ने वहां के मिलके इस स्कूटी को साइड लगाया और महिला को साइड लगाया, पानी नहीं पिलाया और वो महिला जो है अपने आप में होश आ गई। मतलब एक तरीके देखा जाए तो उस महिला को कुछ भी नहीं हुआ, ऊपर वाले की दया से सब कुछ बढ़िया रहा। पर इस स्कूटी का हाल देख रहे हो कितना बुरा हाल इस स्कूटी का हो गया है, क्योंकि इस स्कूटी के अंदर उस पाइप को गिरने की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हाँ, आगे मैं आपको एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव न्यूज भी दूंगा जो कि बहुत ज्यादा आपके काम आएगी। वो ये जी, जब इस स्कूटी के ऊपर, इस एंटॉर्क स्कूटी के ऊपर वो पाइप गिरा तो उस पाइप के गिरने की वजह से स्कूटी के अंदर काफी ज्यादा नुकसान हो गया था। जैसे कि आप देख रहे हो उसकी हेडलाइट जो है टूट गई है, इसके फेयरिंग के जो नक्के होते हैं वो टूट चुके हैं, इसकी हेडलाइट के जो अगल बगल के जो फेयरिंग थे वो भी टूट चुके हैं, इसके मरगाड़ पे काफी स्क्रेचेस आ गए हैं। उसके अलावा जो नीचे का वाला पार्ट होता है फेयरिंग के नोज से नीचे वाला जो पार्ट होता है वो भी काफी ज्यादा टूट गया है, उसका नक्का जो काफी ज्यादा टूट गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे ठीक करने के पैटर्न होते हैं, हम इसको रिपेयर किसी और भी जगह करा सकते हैं, हम इसे कंपनी में भी ठीक करा सकते हैं, हम इसे अपने हैंड से किसी लोकल पार्ट्स की दुकान पर जाके वहां पर भी चेंज करा सकते हैं। पर इस स्कूटी के अंदर जो भी खर्चा आया है उसको लेकर कंपनी ने, मतलब मेट्रो वालों ने इस राइडर को, जो इसका ओनर है, उसे 10,000 रुपए दिए थे टोटल, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है। मुझे लगता है इसको किसी ने शेयर नहीं किया, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। ये स्कूटी मेरे पास आई मेरी वर्कशॉप के अंदर सर्विस सेंटर के अंदर सर्विस कराने। वैसे मैं बता दूं ये स्कूटी मेरे पास काफी टाइम से आ रही है और एक काफी टाइम पहले ना मैंने इसका इंजन का काम किया था, क्योंकि ये गाड़ी मेरे पास यूट्यूब की वीडियो देख के आए थे और उस टाइम बिल्कुल ठीक थी ये गाड़ी। और जब मेरे पास यूट्यूब की वीडियो देख के आए थे भैया, और जो उस टाइम आए थे तो मैंने इस गाड़ी को चेक किया प्रॉपर वे में, इस गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें मुझे लगी है। मैंने इनको बताया भाई आपकी गाड़ी में इंजन का काम होगा और इंजन की दिक्कत जो है सॉल्व हो जाएगी और एक साल की मेरी गारंटी होगी। इन्होंने डिस्कस किया फैमिली से और अपनी जो है जो भी स्कूटी को लेकर जो भी इसके ऑनर हैं उनसे बात करी, डिसीजन मेकर जो है, और उसके बाद इस स्कूटी को लेकर एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे दिया गया, भाई इसको ओके कर दो, हम इसे रखना चाहते हैं, ओके कराना चाहते हैं। उसके बाद इस बात को काफ़ी टाइम हो गया, करीबन 6-7 महीने हो गए इस बात को, सिचुएशन में हमने इस स्कूटी का इंजन का काम कर दिया और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से हमने इस स्कूटी का काम किया। 2 या 3 दिन लगे थे इस गाड़ी के अंदर, परफेक्ट वे में होते गई। कंपनी से बंदा यहाँ मेरे पास आया छोड़ के सब कुछ एक ट्रस्ट करके, और मैंने इसका काम बढ़िया तरीके से रेगुलर वे में एकदम परफेक्ट किया। उसके बाद बंदा सर्विस भी टाइम से करा रहा है, रेगुलर सर्विस करा रहा है। जब ये गाड़ी मेरे पास कल आती है तो कल मैं देखता हूँ कि इस स्कूटी के आगे का पोस्टर पूरा बुरी तरीके से टूटा पड़ा है। अब जब मैंने उस कस्टमर से पूछा तो उसने बताया भाई ऐसे ऐसे करके बात थी, ये जो स्कूटी थी मेरी दीदी गाड़ी चला रही थी और जब ये गाड़ी सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से निकल रही थी उस समय उस सिचुएशन के दौरान उसी ड्यूरिंग राइड जो स्कूटी है इसके ठीक आगे की तरफ बहुत बड़ा लोहे का पाइप गिर जाता है और वो लोहे का पाइप इतना ज़्यादा भारी था कि एक सिंगल बंदा भी उसे नहीं उठा पा रहा था। 4-5 बंदों ने मिलकर उस स्कूटी वो जो लोहे का पाइप था ना उसको साइड किया था। अब जब वो स्कूटी के ऊपर वो पाइप गिरा तो भाई साहब वो स्कूटी तो गिरी, साथ में महिला भी गिरी और साथ में स्कूटी का भी बुरा हाल हो गया। पर अच्छी बात यह थी कि महिला को कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ही सही तरीके से सेफली वो अपने घर चलेगी नॉर्मली जैसे होता है। और स्कूटी की अगर बात की जाए तो स्कूटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ों का ब्यौरा देखते हुए मेट्रो के जो मतलब टीम होती है, मेट्रो की टीम ने इस स्कूटी ओनर से बात करी और उसको 10,000 रुपये का जो भुगतान है वो दे दिया, जबकि इस स्कूटी के अंदर 10,000 से देखा जाए तो कम ही खर्चा है। मतलब मैं अप्रॉक्सीमेटली बताऊं तो आगे का पूरा कंप्लीट फेरी मेरे सब कुछ लालू के भी करेंगे तो भी आराम से 10,000 से कम में आराम से गाड़ी सेट हो जाएगी। पर ये एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मुझे पॉजिटिव रिस्पांस लगा कि मेट्रो वालों ने इस स्कूटी को एक हर्जाना भी दिया और एक अच्छा वे है। हाँ, मैंने इस स्कूटी वाले से बात करी कि भाई इसको ठीक करना है नहीं करना मुझे बताओ, तो उन्होंने कहा कि भाई इसके पार्ट्स हमने ऑर्डर दे रखे हैं कि एक जगह पर और वहाँ से हम इसको डलवा लेंगे। तो मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। पर जब इस स्कूटी को इस सिचुएशन में चलाया गया तो मैंने इस गाड़ी को चला के देखा कि इसका हल्का सा हैंडल भी हमारी गाड़ी का हल्का सा फोर्क इसकी अलाइनमेंट आउट हो गई थी तो वो भी हमने सेटिंग वेटिंग करके सेट कर दिया है। अभी राइट नाउ मैं आपको यही कहना चाहूँगा, वैसे तो यार देखो एक लकी बात मैं बोलूँगा, स्कूटी जब बंदा चलाता है ना या फिर कोई भी लड़की चलाती है तो वहाँ पर इसको ये सबसे वाला काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अपने आप में बहुत बड़े हीरो बनने की कोशिश करते हैं, मतलब हेलमेट नहीं लगाते, राइडिंग गियर नहीं यूज़ करते हैं। यार मैं ये कहना चाहूँगा अगर आप स्कूटी चला रहे हो और हाईवे पर चला रहे हो या किसी ऐसे लोकल एरिया में चला रहे हो जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ ऊपर की तरफ कोई छत है, बहुत ज़्यादा लोकल छत है,
तो डर लगता है चीज़ों, जैसे कि अभी आपको बताओ गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन में भी काफ़ी ज़्यादा जो मेट्रो का जो साइड वाला पार्ट होता है ना, वो भी नीचे गिर गया था, और जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग हार्म हो गए थे, काफ़ी सारे लोग इंजर्ड हो गए थे, और बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल वहाँ का हो गया था। तो इस सिचुएशन को मैं समझते हुए मेरे मन में एक ही चीज़ डर आया, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक मोटरसाइकिल राइड कर रहे हो तो हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करना, एक बढ़िया बेस्ट हेलमेट पहनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, स्टड्स का हेलमेट पहन सकते हो आप, स्टील बड में एक अच्छी टॉप क्वालिटी का हेलमेट पहन सकते हो आप, वेगा का हेलमेट पहन सकते हो, वेगा के बहुत अच्छे हेलमेट बनते हैं, वो भी हेलमेट पहन सकते हो आप, एमटी का हेलमेट पहन सकते हो आप, एक्सोर का हेलमेट पहन सकते हो आप। तो क्या मतलब ये कि एक लोकल थर्ड क्लास हेलमेट जो फुटपाथ पे मिलते हैं ना, बिना किसी ISO सर्टिफाइड के, बिना किसी क्वालिटी चेक वाले हेलमेट आप पहनते हो, अपनी खोपड़ी पे लगाते हो ना, अपने हेड पे लगाते हो, तो इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये अगर ये जो पाइप है, ये पाइप किसी कारण से बहुत तेज़ी से एक अच्छी स्पीड में गिरता, तो क्या होता है, इसका बुरा हाल नहीं हो जाता स्कूटी का। हेलमेट होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हो गया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग होते हैं, मैंने देखा है, पुलिस वाले हैं, हेलमेट पहन लिया, पुलिस वाले से हटे, हेलमेट उतार के वापस से हाथ में टांग के हीरोगिरी दिखा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता। जितना ज़्यादा स्मार्ट आप हेलमेट पहन के लगते हो ना, उतना ज़्यादा स्मार्ट आप बिना हेलमेट के नहीं लगते। बहुत ही ज़्यादा गलतफहमी आपके मन में जो चल रही है, नेगेटिव थॉट चल रहे हैं। मैं खुद अगर पर्सनली अपनी स्कूटी की बात करूं, मैं अगर स्कूटी लेके कहीं बाहर जाता हूं, लेकिन लोकल में भी जाता हूं, तो मैं एक हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करता हूं, बढ़िया हेलमेट जो रॉयल एनफील्ड की तरफ से मुझे मिला था, एक हेलमेट उसका इस्तेमाल करता हूं, फुल फेस वाला हेलमेट, बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। हेलमेट हमारी तीन या चार चीज़ों को बचाता है, एक तो हमारी जान बचाता है, दूसरा हमारे सिर की पूरी कंप्लीट केयरिंग करता है, और तीसरा हमारी आँखें बचाता है। गाड़ी रोड पर चलाते हैं, धूल धक्कड़ धूल मिट्टी, तो आपको पता ही है दिल्ली में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है। इस पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण हमारी इफेक्ट पड़ता है हमारी आंखों पर। अगर हमारी आंखों में धूल मिट्टी जाएंगी तो हमारी धूल मिट्टी की वजह से आंखें खराब हो जाएंगी। और हाँ, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हेलमेट को इस्तेमाल करते भी हो तो क्या लगता है आपको, सब इस पूरी दुनिया में किसका भला होगा? उस पुलिस वाले का भला होगा जो आपको चालान काट रहा है, या फिर आपका भला होगा? मैं आपको यह कहना चाहूँगा, अगर 100 की भीड़ में 2 लोग हेलमेट के बिना दिखते हैं और बाकी 98 लोग हेलमेट के साथ मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो नज़र जो जाती है ना, गलत इंपैक्ट पड़ता है जो, वो उन 2 लोगों पर ही पड़ता है कि उन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, और वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट मेरे माइंड में थॉट आता है। इन सभी चीज़ों को मैं ओवरऑल एक छोटी सी बात मैं बोलूँगा, मोरल ऑफ द स्टोरी, हेलमेट पहन के राइड करो। मुझे नहीं पता, ना ही आपको पता है, अगर हम गाड़ी रोड पर चला रहे हैं, एक्सीडेंट होने वाला होगा तो हो ही जाएगा। अगर आपकी ज़िंदगी जो है उसमें किस्मत में लिखा है तो भाई इसको तो बदल नहीं सकते आप, बट सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेफ्टी का रखना ध्यान हमारा बहुत ज़्यादा कर्तव्य होता है, क्योंकि हमारी फैमिली जो है हमारा वेट कर रही होती है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। इस स्कूटी की हालत देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ और बहुत दुख हुआ कि यार बहुत ज़्यादा गलत हो गया, बट एक चीज़ का मुझे बड़ी एक चीज़ की खुशी हुई, क्यों? क्योंकि उस इंसान को कुछ नहीं हुआ जिस इंसान से स्कूटी है राइड हो रही थी। सोचो अगर हुई होती, उसको नुकसान हो गया होता तो स्कूटी में 10,000 लग के ठीक करा लोगे, पर उसके साथ क्या होगा? मैं दुनिया भर के इंस्टाग्राम रील्स देखता हूँ, एक बंदे का पैर नहीं है, हाथ नहीं है, कहानियाँ देखता हूँ, तो बहुत दुख होता है। मशीन को ठीक कर सकते हैं हम, खुद को ठीक नहीं कर सकते। खुद के लिए हमें जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, और डॉक्टर भी कभी कभी आपको जवाब भी दे सकते हैं कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप लेट हो गए। काश आपने हेलमेट पहन लिया होता, काश ने आपने स्पीड मेंटेन कर ली होती, काश आपने रेड लाइट नहीं जंप करी होती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं लाइफ के लिए, लाइफ सेवर चीज़ होती है। मैं उम्मीद करता हूँ छोटी सी चीज़ आपके समझ में आई होगी, स्कूटी देखी तो समझा, आपको वीडियो बनाऊं, वैसे न्यूज़ कवर करना मेरा काम नहीं है, बस आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी लगा मुझे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।